सर मैं बदीप सिंह बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। जी सर मेरे ना एकता कैनेडा से कुछ बोला जी, मेरे को स्कोर है जी लेकिन तो साढ़े सात जी, तो राइटिंग जो साढ़े पाँच है, एक तो 6.5 एक तो 6 में जी, एक ईवन मेरा फेलियर हो सकता है, तो मेरा इसी कोर्स में भी मेजर हो जी। पास आउट कर दो कि प्लस टू कितना तुसी? हाँ जी हाँ जी सर, प्लस टू 2019 में 2019 85% नंबर है जी, 85% ऑड्स, ओवरऑल 6 बैंड ने। देखो अमन जी हमने आप गल की सी कि 2019 वाले बच्चे अप्लाई कर लैन, डिले ना कर, जुलाई इनटेक हो सकता उन्होंने लिए लास्ट चांस हो, इस तो अगे उन्होंने चांस ना मिले। अच्छा प्रोफाइल है कैनेडा तो तुम रिफ्यूज़ हो चुके हो, तो हूँ तो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोफाइल है। 2019 जो पास आउट बच्चा है वह बिल्कुल लेट ना करे, डिले ना करे, अज ही जेडे भी कंसल्टेंट को जिथे भी अप्लाई करना है अज ही अपना अप्लाई कर दो, डिले ना करो। अच्छा प्रोफाइल है, वीज़ा निकल जूगा थोड़ा। नेक्स्ट कॉल लेने। हेलो जी, बिल्कुल लाइव गल हो रही है जी, की सवाल है? सर लाइव ही गल कर रहे हो जी, स्टूडियो च कॉल जुड़ी है थोड़ी, तुसी सवाल कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, मैं एमबीए की थी ग्रेजुएशन ते केड़े च मास्टर कीती है? ग्रेजुएशन मैं रोचक यूनिवर्सिटी कीती है, एमबीए यूनिवर्सिटी ते नोएडा तो ही आईआईटी एमबीए कीती है मैं, एमबीए नहीं नहीं, केड़े साल च, केड़े साल च पास आउट कीता जी? अच्छा पास आउट कीती मैं जी थोड़ा 2000 अच्छा 2017 किन्ने परसेंट नंबर सीगे? सर आइल्स पीएचडी करना चाहिए नहीं नहीं, आइल्स कितनी है जी तुम्हें? आइल्स आइल्स मतलब इनकम इनकम लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स होता है लैंग्वेज? सर पीटी आइल्स कीती है जी तुसी? नहीं नहीं सर जी, मैं बिल्कुल मैम लगूंगा पीएचडी करना चाहता नहीं जी, की कहना? बिल्कुल कर सकते ने, जा सकते ने, पर जिवें हुण इन्हां ने एमबीए टूरिज्म च दित्ती आ, एकदम पीएचडी वल तुहाडा ध्यान गया, तुसी की सोचिया? 2017 ग्रेजुएशन आ, जे मैं देखा तो 19 च तुसी एमबीए कंप्लीट कीती होगी, तो की सरकम चांसिस रहे? एक बार जे तुसी बैठ के साडे नाल गल करोगे फिर आपां इन्हां चीज़ां नूं दस सकदे आ। तुहानूं दूसरी गल, आईलैट्स बहुत इंपोर्टेंट आ, आईलैट्स तुहानूं करनी पैनी आ। सब तो पहलां अपना आईलैट्स दा पेपर जिहड़ा उह अटैम्प्ट करो, उस तो बाद तुसी एक बार आके जां अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के थ्रू कॉल्स तुसीं भी साढ़े तो काउंसलिंग लै सकते हो। और दूसरी गल अमन जी, सरकम चांसिस जरूर जानना चाहूँगी मैं कि इन्ना टाइम तो बाद एकदम तुसीं हुण पीएचडी लई क्यों अप्लाई करना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वीज़ा अफसर ने एसओपी दे विच जस्टिफिकेशन जरूर मंगनी है जी।